ना इधर ना उधर सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर आज है कंधार विमान हाईजैक को लेकर बनी एक सीरीज को लेकर, जिसे नेटफ्लिक्स ने बनाया है। अब इस सीरीज का सोशल मीडिया समेत कई मंचों पर विरोध देखने को मिल रहा है, और विरोध इस बात पर है कि जो सीरीज नेटफ्लिक्स ने बनाई है उसमें हाईजैकर्स के नाम बताए गए हैं भोला और शंकर, वो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नाम है, और इस सीरीज में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो क्या वाकई ऐसा किया गया? क्यों मुस्लिम आतंकवादी हाईजैकर्स के नाम हिंदू बताए गए? ये कहानी कहां से ली गई? सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। बात यह है कि इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से भी नेटफ्लिक्स को तलब किया गया था। नेटफ्लिक्स ने क्या जवाब दिया? उससे पहले ये जानिए कि सीरीज को बनाने वाले डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने ये कहानी एक किताब से ली है। ये किताब लिखी है सीनियर जर्नलिस्ट श्री जॉय चौधरी और कैप्टन देवी शरण ने, और किताब का नाम है फ्लाइट इंटू फियर द कैप्टन्स स्टोरी। इस किताब को आप बाजार से खरीद कर पढ़िए जरूर। सीरीज में ये भी दावा किया गया कि किताब की कहानी हू ब हू उतार दी गई। वैसे आपको बता दें कि जिस किताब से ये कहानी ली गई है उसे लिखने वालों में कैप्टन देवी शरण भी हैं। तो बात है 24 दिसंबर 1999 की। काठमांडू से दिल्ली जा रहे इंडियन एयरलाइंस की IC-814 विमान में क्रू समेत 188 लोग बैठे थे और विमान को उड़ा रहे थे कैप्टन देवी शरण। देवी शरण वही शख्स थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में हार नहीं मानी और खुद पर संयम भी रखा। उन्होंने एक हफ्ते चले हाईजैक के वक्त धैर्य के साथ विमान में मौजूद सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित रखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी सूझबूझ से सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। अब आते हैं विवाद पर। तो नेटफ्लिक्स की इंडिया कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल ने मंगलवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सामने वे पेश हुई, और मंत्रालय ने वेब सीरीज द कंधार हाईजैक में आतंकियों के हिंदू नाम पर विवाद होने के बाद जवाब के लिए उन्हें बुलाया था। इसके बाद नेटफ्लिक्स की तरफ से मोनिका शेरगिल ने कहा कि वो अपनी सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक के कंटेंट की समीक्षा कराएंगे। इतना ही नहीं, मोनिका ने मंत्रालय को ये भरोसा दिलाया है कि हम सीरीज के कंटेंट का रिव्यू करेंगे। उन्होंने गारंटी दी कि नेटफ्लिक्स पर भविष्य में भी कंटेंट लाते वक्त देश की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। इससे पहले हालांकि सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि किसी को भी देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है। भारत की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान हमेशा सर्वोपरि है, और किसी भी चीज़ को गलत तरीके से दिखाने से पहले आपको सोचना चाहिए। सरकार इसके प्रति बेहद सख्त है। अब समझते हैं कि नाराजगी, विवाद और बैन करने की मांग का कारण क्या है। तो मामला यह है कि बीती 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर IC-814 सीरीज रिलीज हुई, जो कि कंधार विमान हाईजैक पर बेस्ड है। इसमें हाईजैकर्स के नाम भोला, शंकर, चीफ, डॉक्टर और बर्गर बताए गए, लेकिन इनमें विवाद पहले दो नामों पर है, यानी कि भोला और शंकर को लेकर। इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में बीते सोमवार को एक याचिका भी लगा दी गई और इस सीरीज को बैन करने की मांग भी कर दी गई। याचिकाकर्ता की तरफ से यह दलील दी गई कि इसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यह याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दायर की। सुरजीत सिंह ने कहा कि सीरीज में आतंकवादियों के नाम हिंदू दिखाए गए हैं, जिनमें भगवान शिव के अन्य नाम यानी कि भोला और शंकर को शामिल किया गया है, जबकि उनके असली नाम तो कुछ और थे। याचिका में यह भी कहा गया कि इससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। अब आते हैं तथ्य पर। तो मामला यह है कि जो आतंकी इस पूरे हाईजैक में शामिल थे उनके असली नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर थे, लेकिन उन्होंने जब विमान को हाईजैक किया तो अपना असली नाम का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि एक कोड नेम उन्होंने बना लिया था और इस कोड नेम का ही इस्तेमाल वो आपसी बातचीत के लिए कर रहे थे, और इसी कोड नेम को सीरीज में बताया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच इनके कोड नेम भी भोला और शंकर ही थे? तो जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक इन हाईजैकर्स के कोड नेम सीरीज में वही बताए गए जो कि वो असल में इस घटना के वक्त इस्तेमाल कर रहे थे कोड नेम। लेकिन इससे इतर अब इन नामों में भी दो खास नाम यानी कि भोला और शंकर का इस्तेमाल करने को लेकर न केवल आपत्ति जताई जा रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और इस पर बैन लगाया जाना चाहिए। आपको ये भी बताएं कि जैसे ही सीरीज रिलीज हुई इस पर विवाद खड़ा हो गया था।
बीजेपी ने भी इस पर खूब हमला बोला और पिछले दिनों बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इसके कंटेंट पर आपत्ति जता दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने गलत काम को छिपाने के लिए वामपंथियों के एजेंडे का सहारा लिया। IC 814 के हाईजैकर्स खूंखार आतंकी थे, उन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने के लिए काल्पनिक नाम अपनाए थे। सीरीज की कहानी क्या है? इस सीरीज की कहानी 24 दिसंबर 1999 की सत्य घटना पर आधारित है, जब 5 आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 को काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरते वक्त हाईजैक किया था। इसमें 176 यात्रियों से ज्यादा यात्री थे। आतंकवादी प्लेन को अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार ले गए थे। यात्रियों को 7 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया था। इस दौरान प्लेन के अंदर यात्रियों का बुरा हाल था, उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही थी, सरकार के सामने कैसे यात्रियों को छुड़ाने के लिए मुश्किल आई थी, क्या शर्तें रखी गई थी, सारी बातें सीरीज में बताई गई। सीरीज में काम करने वाले कलाकारों की अगर बात करें तो 6 एपिसोड की इस सीरीज में नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय वर्मा, दिया मिर्जा, पत्रलेखा, अरविंद स्वामी और कुमुद मिश्रा ने मुख्य भूमिका अदा की है।